बाबू आज ही रात मेरा प्रमोशन हुआ ग्रुप में, आप लोग सब लोग कंग्रेचुलेट किए, धन्यवाद इसके लिए। सबको मिठाई नहीं दे सकता, यही वाला मिठाई ले लीजिए, ये बड़का मिठाई है, वो एक पीस बहुत छोटा रहता है, इससे कई लोग को आप मिठाई खिलाइएगा। यदि इससे एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से यदि आपको ACCL या BCCL में आ जाएगा या NTPC में आ जाएगा तो ठीक है, ये बड़ा वाला मिठाई है। ठीक है तो हम चालू करते हैं। बहुत सारा बच्चा लोग पूछा सर मैटरनिटी लीव जो है उसमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा, माइंडसेट में 12 वीक लिखा है, जो मैटरनिटी एक्ट है उसमें 26 वीक लिखा है। तो बेटा माइंडसेट में तो 12 वीक पहले से था, लेकिन मैटरनिटी एक्ट अब लागू हो गया है तो अब मैटरनिटी लीव जो है वो 26 वीक्स का रहेगा। कितना रहेगा? 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यदि कोई हमारी बहन बेटियां जो इम्प्लॉई है उनके लिए ये सुविधा दी गई है कि वो मातृत्व अवकाश के रूप में 26 सप्ताह ले सकती है पूरे जीवन काल में। ठीक है, ये नहीं कि हर बार बच्चा होगा तो 26 वीक छुट्टी देंगे, पूरे जीवन काल में पूरे सर्विस पीरियड में वो 26 वीक्स का छुट्टी ले सकती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो विमेन है उनके लिए और थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, वो मैटरनिटी लीव का पार्ट नहीं है, उसको कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, एयर ब्लास्ट के ऊपर हम 2-4 लाइन बोलेंगे। एयर ब्लास्ट का मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। एयर ब्लास्ट होता क्यों है? एयर ब्लास्ट होता इसलिए है कि यदि आपके रूप में मैसिव सैंडस्टोन है, स्ट्रेटिफाइड सैंडस्टोन की बात नहीं कर रहा, मैसिव सैंडस्टोन है, तो मैसिव सैंडस्टोन जो है आसानी से केव नहीं होता है। और यदि आप केविंग मेथड से डिप्लेरिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका एयर ब्लास्ट का प्रॉब्लम कहां था? केविंग में स्टोविंग कर रहे थे, तो जिस जगह से हमने कोयला निकाला उस जगह में हम स्टोविंग मटेरियल मतलब सैंड या कोई अन्य मटेरियल फिल कर दिया, तो कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम केविंग मेथड से डिप्लेरिंग कर रहे हैं तो वहां पर गोप का जो रूप है वो यदि रेगुलरली केव नहीं होता है तो उसका असर यह होता है कि जो स्टैंडिंग पिलर है जिनका भी एक्सट्रैक्शन करना बाकी है उन पिलर्स के ऊपर एक्स्ट्रा लोड चढ़ जाएगा, जिसको ओवरराइडिंग ऑफ पिलर्स बोलते हैं, और जिसके चलते बम्प जैसी संभावनाएं भी बनती है। दूसरी बात, तो पहली बात कारण क्या है एयर ब्लास्ट का? सबसे पहला कारण है कि गोप का जो रूप है उसमें मैसिव सैंडस्टोन का होना। दूसरा, आपने जो एक्सट्रक्शन लाइन है, 4-5 टाइप के एक्सट्रक्शन लाइन पढ़ाए होंगे हमने, डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन, स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन, स्टीप डायगोनल, स्टेप डायगोनल लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन, तो जो आपके माइंड के लिए वहां के पर्टिकुलर कंडीशन को ध्यान में रख करके जो लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन जिसको गोप लाइन या फेस लाइन भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, उसका आपने सही पालन नहीं किया तो भी एयर ब्लास्ट की गोप का जो रूप है केव नहीं होता है। और जब गोप का रूप केव नहीं होगा तो बहुत बड़ा एरिया जो है गोप में क्या हो जाएगा? अनकेव्ड रह जाएगा। और जब बहुत बड़ा एरिया गोप का अनकेव्ड रहेगा तो वो बाकी जो समस्या बम्प और राइडिंग पिलर प्रीमेच्योर कोलैप्स का वो सब तो बता ही दिया कि हो सकता है ऐसा, लेकिन गोप का एरिया बढ़ते जाएगा कभी ना कभी तो ये गिरेगा ना, और जब ये ऑल ऑफ सडन गिरेगा तो गोप बहुत बड़ा हो गया तो उसमें हवा भी होगा, उस हवा क्या करेगा? एक बैक डिस्प्लेस कर देगा। एक बैक क्या करेगा? ऑल ऑफ सडनली वहां की एयर को डिस्प्लेस करेगा एट अ टेरिफिक स्पीड, बहुत तेज गति से उस हवा को बाहर ठेल देगा। और उस हवा का झोंका जैसे धुंध आता है आंधी आता है वैसा आ जाएगा तो क्या होगा? हमको उड़ाकर लेके जाएगा, मशीन को डैमेज कर देगा, केबिल डैमेज हो जाएगा, हमको मार चोट लग जाएगा जो इम्प्लॉई है। तो एयर ब्लास्ट के कारण समझ है तो ना हो एयर ब्लास्ट, इसके लिए क्या कीजिएगा? कुछ नहीं। पहली बात तो अब यदि बढ़िया कोई गोप में स्टुक नहीं छूटने दिया जाए, रीब नहीं छूटने दिया जाए, पॉसिबली उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाए,
100% नहीं कर पाते, पॉसिबली जो है उतना एक्सेप्ट कर लिया जाए ताकि एयर ब्लास्ट की गोप के जो रूप है, ओवरहैंग रूप है, गोप के रूप में हलचल पैदा हो जाए, मूवमेंट पैदा हो जाए, ओके हो जाए ये। लेकिन ये सब किया उसके बावजूद भी यदि गोप का रूप टंगा रह जाता है, ओवरहैंग रह जाता है, अनकेव्ड रह जाता है, गिरता नहीं है, तो हमको क्या करना है, गोप के किनारे किनारे, गोप के अंदर घुसना मना है बेटा। गोप इज नॉट ए वर्किंग प्लेस, गोप इज ए वर्किंग, ऐसा गोप के डेफिनेशन बताया होगा वहां बड़ा बढ़िया से। तो गोप के अंदर घुस नहीं सकते, एक्टिव एक वर्किंग एरिया में ही खड़े रह करके गोप के किनारे किनारे एज ऑफ द गोप पर ड्रिल होल कर दीजिए, लाइट चार्ज यानी कि ब्लास्टिंग कर रहे हैं आप स्पेस में, लाइट चार्ज मतलब कम बारूद देख करके क्या कर दीजिए, ब्लास्टिंग कर दीजिए गोप के एज में। तो क्या होगा, जब हम ब्लास्टिंग कर देंगे तो गोप का एज का राग गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो गोप के रूप में मूवमेंट पैदा कर देगा, जब एक बार मूवमेंट पैदा हो गया तो वो फिर धीरे धीरे गिरने लग जाएगा। ऐसा हम एयर ब्लास्ट से बच सकते हैं, ठीक है। इसके प्रकाशन विकाशन बताए होंगे कि आइसोलेशन जो स्टॉपिंग होता है उसमें 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का एक ओपनिंग छोड़ देते हैं, और उस ओपनिंग में हम एक प्लास्टिक सीट लगाते हैं ताकि जब यदि एयर ब्लास्ट का खतरा हवा आएगा वो प्लास्टिक को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। क्योंकि एयर ब्लास्ट के लिए हमको कहने का ये मतलब रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल एंट्रीज छोड़े, लेकिन रेगुलेशन 137 क्या बोलता है कि डिफ्लेरिंग करने के पहले सभी रास्तों में आपको आइसोलेशन स्टॉपिंग बना लेना है, सिर्फ वेंटिलेशन और हालेज के लिए जो आवश्यक है वो रास्तों को छोड़ करके उनमें भी प्रिपरेटरी स्टॉपिंग बनाना है। तो मैक्सिमम रास्ता तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि 137 का पालन करना है, नहीं तो फिर हमको 137 मतलब रेगुलेशन 137 137, तो नहीं तो हमको डिफ्लेरिंग का परमिशन ही नहीं मिलेगा। तो भैया डिप्लेरिंग का परमिशन ही नहीं मिलेगा तो हम क्या किए, उसका कोई जुगाड़ निकाल। तो डीजीएमएस ने बोला भाई जो आइसोलेशन आप स्टॉपिंग बना रहे हैं उसमें 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का ओपनिंग मतलब खुला जगह छोड़ दीजिए, और उसमें प्लास्टिक सीट लगा दीजिए ताकि हवा का ये झोंका आएगा तो क्या होगा, उसको तोड़ करके बाहर निकलेगा, ठीक है। वो आगे बढ़ते हैं, अभी उतना समय नहीं है। कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम रिजर्वायर एटसेट्रा करके एक रेगुलेशन है, उसमें क्या दिया है कि आपको अंडरग्राउंड में यदि कोई वाटर डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, तो आपको रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को नोटिस देना होता है, और वो नोटिस जो है नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर रहेगा। कितना दिन बेटा, नॉट लेस देन, याद रखिएगा, वाटर डैम बनाने के लिए कितना दिन पहले नोटिस देंगे, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम रिजर्वायर एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन देगा नोटिस, ओनर एजेंट और मैनेजर देगा। किसको देगा, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देगा, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को देगा। इंटेंशनल फ्लडिंग, इंटेंशनल जानबूझ करके पानी भर देना खदान में, तो कोयला निकालने गए थे कि पानी भरने गए, तो बाबूआ कहा हो बाबू सत्यजीत एनसीएल काहे लगे है, कोयला निकालने के लिए पानी भरने के लिए, कोयला निकालने के लिए, अच्छा ठीक है। तो ये इंटेंशनल फ्लडिंग भी कहां से आ गया भैया, जानबूझ के पानी घुसा रहे माइंस के अंदर। यदि फायर हो गया है और इतना बड़ा फायर है कि हम पहले तो क्या करते, बुझाने का प्रयास करते, वो नहीं होता, सीलिंग करते, लेकिन ये भी संभव नहीं है तो फिर क्या करते हैं, माइन के सरफेस से या माइन के अंडरग्राउंड पार्ट में भी पानी है तो वहां से या अगल बगल की माइन से क्या करते हैं, माइन के अंदर पानी डाल देते हैं ताकि आग बुझ जाए, ठीक है। मतलब ऐसे ही आग बुझाना नहीं है, ठीक है, ऐसे ही तो मतलब बेवजह पानी नहीं डाल, आग बुझाने के पर्पज से हम पानी भर देते हैं, उसी को बोलते हैं इंटेंशनल फ्लडिंग। अब इंटेंशनल फ्लडिंग कर रहे हैं भैया तो क्या होगा, अगल बगल यदि कोई माइन होगा उनको भी प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इंटेंशनल फ्लडिंग करना चाहते हैं तो माइन मैनेजमेंट, माइन मैनेजमेंट का मतलब होता है ओनर एजेंट और मैनेजर, ये जो है नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर सच इंटेंशनल फ्लडिंग, कितना दिन पहले, 14 दिन कम से कम 14 दिन पहले, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर नोटिस देंगे। तीन आदमी को नोटिस देते हैं बेटा,
कितने को देते हैं इंटरनेशनल प्लडिंग का नोटिस? तीन आदमी को देते हैं, ख्याल रखें इंटरनेशनल प्लडिंग का तीन, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस और मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? मैनेजमेंट ऑफ नियर बाय माइंस, मैनेजमेंट ऑफ एडजेसेंट माइंस और नियर बाय माइंस, अगल बगल की जो भी माइंस है उनके मैनेजमेंट को भी कवर करेंगे कि भैया हम ऐसा करने जा रहे हैं, कहीं उसके प्रभाव से अगल बगल के माइंस को भी दिक्कत हो सकता है, तो क्या करेगा? जब ये ऐसा करेगा तो अपने आदमी को कुछ सेफ्टी लेगा या हटा लेगा, ठीक है? तो ये तीन आदमी को देगा। अब रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ पैनल, यदि कोई आग लगा हुआ पैनल है जिसको आपने सील किया था या स्पॉन्डेसिटी हुआ था और आपने उस पैनल को सील कर दिया था, ठीक है, चाहे आइसोलेशन स्टफिंग से सील किया हो या पानी भर करके कर दिया हो और उसको आप रीओपन करने चाहे, आग बुझ गया तो क्या करेंगे? उसको रीओपन करेंगे ना, कोयला निकालेंगे ना वहां से, तो रीओपनिंग करना है। वो जो आपका उधर रेगुलेशन स्टार्टिंग के 3, 4, 5, 6, 7 में जो बताया वो वाला रीओपनिंग, वो रीओपनिंग जो है बेटा वो काहे के लिए है? वो है 60 या उससे अधिक दिन के लिए आपने अस्थायी तौर पे काम बंद किया था और फिर आपको माइन ओपनिंग करना है, वो वाला रीओपनिंग का नोट। ये रीओपनिंग अलग चीज है, आग लग जाने के कारण, स्पॉन्डिसिटी हो जाने के कारण आपने डिस्ट्रिक्ट या पैनल या छोटा सा माइन पूरे माइने को बंद कर दिया था, उसको रीओपन कर रहे फिर से चालू कर रहे, तो इसके लिए दो आदमी को नोटिस देते हैं, चीफ इंस्पेक्टर माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, और कितना दिन पहले देते? नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर, कितना? 30 दिन पहले नोटिस देते हैं, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। याद रखिएगा इंटरनेशनल प्लडिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम का नॉट लेस देन 14 है, 1/14 डेज। कंस्ट्रक्शन वाटर डैम रिजर्वायर के लिए रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को देते हैं, इंटरनेशनल प्लडिंग के लिए नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर इंटरनेशनल प्लडिंग नोटिस हैव टू बी गिवन टू रीजनल इंस्पेक्टर माइंस, चीफ इंस्पेक्टर माइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ एडजेसेंट माइंस जो प्रभावित हो सकता है। रीओपनिंग का बताया गया सीआईएम आरआईएम को 30 दिन पहले, ठीक है, नॉट लेस देन 30 डेज बिफोर। इंटरेस्ट ऑफ माइन, इंटरेस्ट ऑफ माइन किसको बोलते हैं? साफ्ट, इनक्लाइन, एडिट, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑफ माइन या इंटरेस्ट टू अ माइन, एक के बात होता है। इंटरेस्ट ऑफ माइन HFL जो होता है आपका, HFL मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल, इससे 1.5 मीटर ऊंचा रहना चाहिए, कितना रहना चाहिए? इंटरेस्ट ऑफ माइन नॉट लेस देन 1.5 मीटर अबो HFL, ठीक है, ये HFL से 1.5 मीटर से कम ऊंचा। एक मिनट, हाँ बाबू, इंटरेस्ट ऑफ माइन नॉट लेस देन 1.5 मीटर अबो HFL रहेगा, ठीक है, HFL से 1.5 मीटर से कम ऊंचाई पर नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो मेरा HFL कितना, 270 मीटर है, मेरे जहां मेरा माइन खुल रहा है उसके अगल बगल कोई रिवर है, कोई छोटा मोटा नाला, और उसका मान लो HFL जो हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है 270 मीटर है, तो मेरे माइन का जो मुहाना रहेगा सॉफ्ट का या इंक्लाइन का या एडिट का, उसका RL जो रहेगा वो 270 प्लस कितना कर दीजिएगा 1.5, तो कितना हो गया 271.5 से कम उसका हाइट RL नहीं रहेगा आपके माइन इंटरेस्ट का। ये बोला डेंजर लेवल। हम क्या करते हैं कि यदि सरफेस वाटर से माइन में पानी घुसने का डर है, एंटर हो जाने का डर है, फ्लड हो जाने का डर है, फ्लडिंग हो जाने का डर है, तो हम जो आपका सोर्स ऑफ वाटर है, नदी है, नाला है, झील है, तालाब है, जिसको हम मैं जब भी बोलूंगा वाटर बॉडी बोलूंगा, ये जितने नाम बोले नदी नाला झील तालाब कोई वाटर कोर्स, इसको मैं वाटर बॉडी बोलूंगा, तो आप समझ जाइएगा कि यही वर्ड बोल रहे हैं। तो वो जो वाटर बॉडी है उसमें हम क्या करेंगे, एक पोल गाड़ देते हैं बेटा, ग्रेजुएटेड पोल, लिखा रहेगा 1 मीटर 2 मीटर ऐसा एक पोल गाड़ देते हैं। वहां का जो HFL रहेगा, जैसे मान लो अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि 270 मीटर एग्जांपल, तो आपका जो डेंजर लेवल रहेगा वो हमेशा HFL से
1.2 मीटर नीचे रहेगा। कितना आंक रहेगा? डेंजर लेवल एटलीस्ट 1.2 मीटर बिलो, नीचे बिलो एचएफएल। मान लो मेरा 270 एचएफएल है, कितना है ये मान लिया एग्जांपल, तो डेंजर लेवल कितना रहेगा बेटा? एग्जांपल से याद रखिएगा, डेंजर लेवल कितना रहेगा? इससे डेढ़ मीटर नीचे, 270 में से डेढ़ माइनस कर दो कितना होगा? 168.5 मीटर। ठीक है, 270 मीटर है मान लो, तो कितना होगा डेंजर लेवल? 168.5 मीटर, ये बोल रहा हूं। डेंजर लेवल एटलीस्ट कम से कम 1.2 है, तो मैं 1.5 माइनस कर दिया, तो कितना होगा? 168.8 हो जाएगा, 1.2 मीटर बिलो एचएफएल। 270 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो 168.8, देख लेना कहीं माइनस करने में जल्दी जल्दी बोल रहे कहीं पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, तो उसको मतलब मत, कहने का मतलब 270 जो हमने एग्जांपल लिया इसमें से 1.2 माइनस कर लेना, वो जितना आएगा उतना आपका डेंजर लेवल रहेगा। तो डेंजर लेवल एटलीस्ट 1.2 मीटर बिलो एचएफएल। ठीक है, और एक और चीज है कि अंडरग्राउंड माइन में कोई भी वाटर बॉडी मतलब नदी नाला झील तालाब, इसको नदी वाटर बॉडी बोलते, कोई भी वाटर बॉडी के वर्टिकली बिलो, उसके सीधा नीचे, मतलब नदी नाला झील तालाब के एकदम सीधा नीचे आप कोई वर्किंग नहीं कर सकते, कोई वर्किंग नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। जब डेवलपमेंट नहीं करेंगे डिफरेंट का बात नहीं आएगा। नो वर्किंग शैल बी मेड वर्टिकली बिलो वाटर बॉडीज, ये बोलता है माइन के नदी नाला झील तालाब के नीचे वर्किंग नहीं करना, या बोलता आर एनी स्पॉट लाइन विद इन ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ रिवर लेक टैंक वाटर कोर्स एटसेट्रा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, हिंदी में बोल रहे हैं आप, कि जो भी वाटर बॉडीज है उसके नीचे आपको काम नहीं करना है, या कोई भी जो वाटर बॉडीज है मतलब नदी नाला झील तालाब उसके दोनों किनारों से 15 मीटर के अंदर किसी भी स्पॉट, स्पॉट मतलब जगह पर आपको काम नहीं करना। आर क्या बोला? आर एनी स्पॉट लाइंग विद इन या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम आइदर बैंक ऑफ ए रिवर कैनाल लेक रिजर्वायर एटसेट्रा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर माइंस। वाटर बॉडीज के नीचे काम करना ही नहीं आपको बोलता, और या वाटर बॉडीज के दोनों किनारे आइदर बैंक बोलता मतलब दोनों किनारे से 15 मीटर के किसी भी जगह पर आपको काम नहीं करना है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस। चीफ इंस्पेक्टर माइंस के परमिशन के बिना आपको नदी नाला के नीचे भी काम नहीं करना है, और ये नदी नाला के दोनों किनारों के 15 मीटर के अंदर भी काम नहीं करना। मतलब आप काम कर सकते हैं परमिशन लेके, लेकिन इनके नीचे काम करना है या नदी नाला के 15 मीटर दोनों किनारे के 15 मीटर के अंदर काम करना है, तो आपको चीफ इंस्पेक्टर माइंस से परमिशन लेना है। ऐसे 119 बताया था जी कभी, शायद वो 100% इंपॉर्टेंट सीरीज वाले में बताया होगा कि आपका जो रेलवे है, पब्लिक रोड है, या कोई बिल्डिंग है या स्ट्रक्चर है जो कि ओनर का नहीं है, उसके कि 45 मीटर के अंदर में कोई भी वर्किंग नहीं करना है, डिप्लोरिंग नहीं करना, ऐसा बताए होंगे वहां पे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या होता है बेटा? अरे आपने वो जो डेंजर लेवल फिक्स किया है, सब्सिडेंस क्रैक्स है क्या इसका चेक करना, इम्बेटमेंट बनाना, ठीक है, ये सारे जो चीज आता है ये आता है प्रोटेक्टिव मेजर्स में। यदि कहीं कोई आपको क्रैक्स नहीं जाए तो उसको क्या कर दो? फिल कर दो। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ सब्सिडेंस इज द क्रैक्स। ठीक है, वो जो गड्ढा बन जाता है जिसको पाटोल बोलते हो तो बात क्या बात है? फर्स्ट इंडिकेशन क्या है सब्सिडेंस का? क्रैक्स, क्रैक्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो वो जितना भी प्रोटेक्टिव मेजर्स आप ले रहे हैं वो, और आपका जो माइन एंट्रेंस है वो एचएफएल से डेढ़ मीटर ऊपर, डेढ़ मीटर से कम ऊंचा नहीं रहना चाहिए, ये सब प्रोटेक्टिव मेजर्स में बोले ना, तो ये जितने भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है इनकी जांच एक कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, बरसात के दिन में 14 दिन में एक बार। और बरसात का पीरियड कब से मानते हैं?
एक जून से 31 अक्टूबर ड्यूरिंग रेनी सीजन का मतलब क्या होता है, जून फर्स्ट से लेकर 31 अक्टूबर के बीच 14 दिन में एक बार ये प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच करेगा एक कॉम्पिटेंट पर्सन, और साल के बचे दिनों में 30 दिन में एक बार करेगा, और वो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है वो रिपोर्ट लिखेगा, और उस रिपोर्ट पर मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर करेंगे। क्या करेंगे? काउंटर सिग्नेचर करेंगे। इसके आगे जो 149(10) है, ये 9 में बोला मैं, 149 का 10 क्या बोलता है कि जो भी प्रोटेक्टिव मेजर्स है और वर्किंग्स है उसका मैनेजर साहब स्वयं व्यक्तिगत तौर पर वंस इन अ क्वार्टर एक बार एग्जामिनेशन करेंगे। यदि देखिए दो अलग अलग चीजें, यदि कहीं पूछ लिया कि मैनेजर साहब प्रोटेक्टिव मेजर्स और वर्किंग का एग्जामिनेशन कितने दिन में करेंगे, तो बच्चा ये 14-30 में फंस जाएगा। ऐसा बोला क्या? अरे मैनेजर साहब व्यक्तिगत तौर पे प्रोटेक्टिव मेजर्स और वर्किंग्स का एक क्वार्टर एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर एक बार उनकी जांच करेगा, और एक कॉम्पिटेंट पर्सन बरसात के दिनों में 14 दिन में और बाकी दिनों में 30 दिन में प्रोटेक्टिव मेजर्स की जांच करेगा, ठीक है। और वो जो प्रोटेक्टिव मेजर्स का रिपोर्ट लिखा जाएगा जो कॉम्पिटेंट पर्सन कर रहा है 14-30 दिन में, उस पर मैनेजर साहब काउंटर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। इधर हो गया, अब इधर चलते हैं, एक मिनट इसको मिटाते हैं। बाबू ये फिगर को देखो, तब हम एक चीज बताते, हम एक रफ फिगर बनाए, ये बोर्ड एंड पिलर का एक स्केमेटिक डायग्राम छोटा सा बनाने की कोशिश किया रफ में, ये मैं इधर वर्किंग करते बढ़ रहा हूं, ठीक है। और ये जो बाउंड्री दिखा दी, ये बाउंड्री नहीं मतलब एक लाइन दिखा दी, ये गोप हो सकता है या डिसयूज्ड वर्किंग, दोनों एक साथ नहीं होगा। गोप जहां से कोयला निकाल लिया उसको गोप बोलते हैं, डिसयूज्ड वर्किंग जो कि अनयूज्ड वर्किंग है जो डेवलपमेंट करके छोड़ दिया वो वाला, दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एक साथ नहीं ना होगा, गोप या डिसयूज्ड वर्किंग है। इसके विदिन 30 मीटर में क्या आ गया मेरा, एक्टिव वर्किंग एरिया मतलब वर्किंग आ गया मेरा। गोप या डिसयूज्ड वर्किंग के 30 मीटर विदिन 30 मीटर मतलब 30 मीटर के अंदर में मेरा ये वर्किंग आ गया, तब क्या हो सकता है, इस गोप में या इस डिसयूज्ड वर्किंग में इनफ्लेमेबल गैस या नॉइजस गैस हो सकता है या हो सकने की संभावना है, ठीक है। आप रेगुलेशन 147 को पढ़िएगा, वहां बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, वेयर एनी वर्किंग इज एक्सटेंडिंग विद इन 30 मीटर ऑफ एनी गोप आर डिसयूज्ड वर्किंग कंटेनिंग आर लाइकली टू कंटेन इनफ्लेमेबल आर नॉइजस गैसेस, मतलब यदि कोई मेरा वर्किंग गोप या डिसयूज्ड वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाए और इस गोप या डिसयूज्ड वर्किंग में इनफ्लेमेबल या नॉइजस गैस है या होने की संभावना, लाइकली टू कंटेन मतलब होने की संभावना है, देयर शैल बी प्रोवाइडेड एटलीस्ट वन बोरहोल एट द फेस नॉट लेस देन 1.5 मीटर डीप इन एडवांस ऑफ द वर्किंग। ये बात को याद रखिएगा बेटा, क्या बोलता है, तो इस वर्किंग में मैं क्या करूंगा, कम से कम एक बोरहोल लगाऊंगा। कितना बोरहोल लगाऊंगा? एक बोरहोल, और वो बोरहोल कितना गहरा रहेगा अंदर की तरफ, नॉट लेस देन 1.5 मीटर डीप इन एडवांस ऑफ द वर्किंग एंड सुपरविजन ऑफ ड्रिलिंग अ बोरहोल शैल बी कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन एंड दैट कॉम्पिटेंट पर्सन विल बी माइनिंग सरदार एज पर रेगुलेशन 247 सब रेगुलेशन 2। तो रेगुलेशन 147 क्या है, प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैस फूट निकलने के विरुद्ध आप क्या सावधानी लीजिएगा, क्योंकि आपका ये गोप या डिसयूज्ड वर्किंग में गैस हो सकता है, तो गैस हो सकता है अचानक यदि इस वर्किंग एरिया में जाएगा तो मुझे सफोकेशन हो जाएगा, दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो इसके लिए क्या बोलता है कि यदि कोई गोप या डिसयूज्ड वर्किंग आपके वर्किंग के 30 मीटर के अंदर आ जाए तो आपको इस वर्किंग फेस पर कम से कम एक बोरहोल लगाना है, और उस बोरहोल की जो गहराई रहेगी वो 1.5 मीटर से कम नहीं होगी, नॉट लेस देन 1.5 मीटर इन डीप इन एडवांस ऑफ द वर्किंग, और बोरहोल का ड्रिलिंग का सुपरविजन एक कॉम्पिटेंट पर्सन के सुपरविजन में होगा, और वो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा माइनिंग सरदार।
ठीक है, और वहां पर कोई भी लैंप या लाइट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट द अप्रूव्ड लैंप सेफ्टी लैंप आर टॉर्चेस, जो अप्रूव टाइप के लैंप्स है या टॉर्चेस है उनका इस्तेमाल करना, ऐसे नहीं गलतू पलतू कोई आप लाइट लेके वहां चले गए, ठीक है, क्योंकि गैस हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते, ये वाला हो गया बेटा। अब इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस, ठीक है, ये 167 से, रेगुलेशन 167 से, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस। देखो नाम है बता रहा कि जो आपका अनयूज्ड वर्किंग है, जो डेवलपमेंट करके आपने छोड़ दिया है और जिसको सील नहीं किया है, सील कर दिया तो घुसबो कैसे है? अरे सील के अंदर घुसिएगा, दरवाजा बंद रहेगा, आप रूम के अंदर जाइएगा क्या? दरवाजा खुलेगा जब ही नहीं जाइएगा। तो जिसमें दरवाजा ही आपने नहीं लगाया, किवाड़ दरवाजा लगाई वो नहीं किया, वो रूम की बात कर रहे हैं। ऐसा अनयूज्ड वर्किंग जिसको सील नहीं किया गया है, तो अनयूज्ड वर्किंग या डिसयूज्ड वर्किंग में क्या हो सकता है, बताया अभी बताया ना 147 में कि गैस हो सकता है। तो उस गैस की जांच के लिए 7 दिन में एक बार ओवरमैन जांच करेगा, मतलब एक कॉम्पिटेंट पर्सन, वो कॉम्पिटेंट पर्सन 247 के सब रेगुलेशन 1 के अनुसार ओवरमैन होंगे। ठीक है, तो क्या बोला, इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज्ड वर्किंग फॉर गैस, मतलब यदि अनयूज्ड वर्किंग में गैस के लिए सावधानी लेना आपको, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, 7 दिन में एक बार एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो अनयूज्ड वर्किंग को जाकर के चेक कर लेगा, जो कि सील नहीं है, सील वाल में घुसबो नहीं करेगा, तो उसको जाकर के आपको चेक कर लेना है, गैस है तो उसको रिमूव का प्रयास करना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, खत्म हो गया कहानी, आपको जांच तो करना होगा अनयूज्ड वर्किंग, इसीलिए बोलता है कि अनयूज्ड वर्किंग को सील करके रख दीजिए, आपको स्टोन डस्टिंग नहीं करना होगा, वेंटिलेशन नहीं करना होगा, ठीक है, इंस्पेक्शन नहीं करना होगा, ठीक है। अरे ऐसा ही एक बात याद आ गया, 142 का 7 है या 8 है, रेगुलेशन 142 का 7 या 8 होगा, वहां पर आइसोलेशन स्टॉपिंग, मतलब जो फायर स्टॉपिंग है उसका इंस्पेक्शन कितने दिन में करते हैं, 7 दिन में करते हैं ना, और आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, हवा होगी कि नहीं अंदर में, एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब हवा, उसका जो जांच है 30 दिन में एक बार करना है, लेकिन यदि वो आइसोलेशन स्टॉपिंग एक्सप्लोजन प्रूफ है तो आपको 30 दिन में एक बार एटमॉस्फेरिक कंडीशन का पता लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है कि नहीं, आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का वातावरण की जांच 30 दिन में एक बार करना है, लेकिन वो आइसोलेशन स्टॉपिंग यदि एक्सप्लोजन प्रूफ आइसोलेशन स्टॉपिंग है तो आपको 30 दिन में आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे की जांच नहीं करना, 142(3) में लिखा है, ठीक है। और वो वेंटिलेशन के स्टॉपिंग कितना बताया था, 159 के रेगुलेशन 9-10 कुछ में बताए होंगे, 14 दिन में एक बार हवा रास्तों का और वेंटिलेशन के जितने भी डिवाइसेस है, आपका डोर्स है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग्स है, वो सब की 14 दिन में एक बार जांच करना, हवा रास्तों का भी, एयरवेज का भी, ठीक है। उधर चलते हैं आगे, ये हो गया, गैस निकला माना जाएगा, मतलब इनप्योर गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाउंड आर डिटेक्टेड, मतलब इसी को हिंदी में बोलते हैं गैस मिला माना जाएगा, जो अंग्रेजी में बोला ना, क्या बोला, इनफ्लेमेबल गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिटेक्टेड और फाउंड, ठीक है, उसी को बोलते हैं मतलब गैस मिला माना जाएगा। कब गैस मिला माना जाएगा, यदि आपका डिग्री 1 गैस सीमाइन है, 3 डिग्री होता है ना बेटा, डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3, ठीक है, तो डिग्री 1 में मोर देन 0.1% से यदि अधिक इनफॉर्मल गैस मिलता है तब माना जाएगा कि डिग्री 1 में गैस मिला है। डिग्री 2 है तो मोर देन 0.5% से अधिक इनफॉर्मल गैस मिलता है तो माना जाएगा कि गैस मिला है। डिग्री 3 में मोर देन 1.25% से अधिक यदि इनफॉर्मल गैस मिलता है तो यह माना जाएगा कि गैस मिला है, क्योंकि बोलते गैस मिल गया, गैस मिला, अरे तो केकरा गैस मिलना बोलेगा, यदि डिग्री 1 है तो मोर देन 0.1% गैस इनफॉर्मल गैस मिलेगा, तब बोला जाएगा कि इनफॉर्मल गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिटेक्टेड आर फाउंड, ठीक है। डिग्री 2 में मोर देन 0.5%, डिग्री 3 में मोर देन 1.25%, यदि इतना जो यदि गैस मिलता है डिफरेंट डिग्री ऑफ गैसिनेस में, कौन सा गैस, इनफॉर्मल गैस,
तब बोला कि गैस मिला है। हम कोशिश आप लोगों के लिए भरपूर कर रहे हैं, चैनल में बहुत सारा किए हैं, ये तो छोटा छोटा प्रयास है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के जो आधा घंटा के भाषण है उस भाषण से आपको एक क्वेश्चन तो अवश्य एसीसीएल में मिलेगा, एक क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का हम कभी नहीं बोलते हैं बेटा, इस वीडियो से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन श्योर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक नहीं तो 2 बार देख लीजिएगा, बाकी चीजों को भी देखिए। हम प्रयास करते रहेंगे आप लोगों के लिए जब तक शरीर में दम है, अभी तो बहुत दम है, करते रहेंगे, ठीक है। सबको दुआएं, शुभकामनाएं, और आप लोगों ने बहुत सारा वार्म विशेष किया उसके लिए लास्ट में, और फिर एक बार धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक यू।